हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ये जो टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है सो लेवल ऑफ टीचिंग आल्सो नोन एज द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग रेफर्स टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग दैट स्टूडेंट्स गो थ्रू वाई लर्निंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन सिंपल सी बात है जब हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि एक लेवल ऑफ लर्निंग होता है हम सब में ठीक है अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू एक स्टूडेंट गुजरता है एंड किस तरह से वो नई लर्निंग को एकोमोडेट करता है नई इन्फॉर्मेशन को एकोमोडेट करता है और जो ये लेवल्स है ना ये हयार्किकल है मतलब हर एक लेवल दूसरे पे बिल्ड होता है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेकेंड लेवल आ जाएगा तो पहला लेवल के ऊपर दूसरा लेवल फिर दूसरे के ऊपर तीसरा लेवल तो सबसे पहले जो बेसिक थ्री प्राइमरी लेवल्स है वो डिस्कस करेंगे जिसमें से पहला है मेमोरी लेवल या फिर रोट लर्निंग ठीक है याद रखिएगा मेमोरी लेवल या फिर रोट लर्निंग रोट लर्निंग के आपको यहाँ से वर्ड से पता चल गया होगा मतलब एक बार को रीड करके याद रखें एट द मेमोरी लेवल द emphasis इज ऑन rote मेमोराइजेशन एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ facts, डेफिनेशन एंड information विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन concept. क्या होता है ना जब हम लोग कोई नई information सुनते हैं तो सबसे पहला चीज जैसे आपको याद होगा छोटे क्लासेस में कई बार हम करते थे हम उसको बार बार पढ़ते थे ताकि हमें याद हो जाए मतलब उसका मतलब चाहे हमें समझना आए बट हम उसको याद करने की कोशिश करते थे ठीक है तो मेमोरी लेवल पर जो फोकस होता है वो होता है रोट मेमोराइजेशन पे यानी रट्टा लगाना एक तरह से यू नो क्रैमिंग करना और यहाँ पर हम कोई भी फैक्ट जो होता है डेफिनेशन जो होती है इन्फॉर्मेशन होता है उसको ना सिर्फ याद रख तो मतलब बिना समझे याद रखने की कोशिश करते हैं ठीक है जो स्टूडेंट्स होते हैं इस लेवल पर वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिकॉज उन्होंने समझा तो होता नहीं है इट इज जस्ट अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स तो यहाँ पर सिर्फ रोट मेमोराइजेशन की वजह से वो उसको याद तो रखते हैं बट शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है लेकिन उनका रिटेंशन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डीपली एंगेज नहीं होते कंटेंट से मतलब जैसे आप कभी कभार हिस्ट्री की डेट्स याद रख लेते हैं लेकिन बहुत टेम्प्रेरी टाइम के लिए आपको याद रहती है फिर आप भूल जाते हो क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारी डीपर प्रोसेसिंग नहीं हुई है या फिर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है हमने उसको रोट मेमोराइजेशन रख लिया है बस ठीक है So, at the level that and so, जब हम लोग टीचिंग स्ट्रैटीज की बात करते हैं मेमोरी लेवल पर तो उसमें होती है टेक्निक्स जो कि मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन को फोकस करें ठीक है ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग मेमोराइजेशन यानी याद करने की कोशिश करें एंड रिपीटिशन क्योंकि हम टीचिंग के बारे में बता रहे हैं तो टीचर्स कौन सी अप्रोच यहाँ पर यूज करते हैं यानी कि वो जो ये रूट मेमोराइजेशन है या फिर याद रखने वाला है इसके लिए क्या चीज यूज करते हैं सबसे पहले है रिपीटेशन एंड ड्रिल्स रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन री इन्फोर्स मेमरी एंड रिकॉल यानी यहाँ पर क्या होता है ना आपको बार बार कोई चीज़ रिपा रिपीट करवाई जाती है कोई चीज़ वर्ड बार बार बोला जाता है मैं अगर आपको डेली हर वीडियो में कोई वर्ड बोलूँ डेली आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वर्ड याद हो जाएगा सो रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिपिटन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वे दैट इज रिपीटिशन एंड ड्रिल जिससे टीचर बच्चों को फैक्ट्स याद करवाते हैं या कोई भी चीज याद करवाने की कोशिश करते हैं फ्लैश कार्ड्स यूज होते हैं फ्लैश कार्ड में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट करके या काम की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है जिसको आप बार बार रिव्यू कर सकते हो बार बार रीड कर सकते हो ठीक है मेमोराइजेशन टेक्निक्स होती है मेनोमोनिक्स एक्रोनिम्स एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक ताकि आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़े जैसे आपको बताएंगे एप्पल एप्पल के साथ एप्पल की फोटो भी दिखा दी, ठीक है दैट इज़ वन ऑफ द मेमोराइजेशन टेक्निक कोई वर्ड होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जैसे कि साइंस में एक periodic टेबल होती है तो उसके लिए गाना बना दिया या फिर उसके लिए कोई कोड वर्ड बना दिया तो जब आप एलिमेंट्स लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि किस बारे में बात करे हो हाँ हीली हाइड्रोजन हीथियम तो ये मिनोमोनिक्स होते हैं कि आप किसी बड़ी चीज़ को शॉर्ट 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 वर्ड से ना उसको शॉर्ट करके याद रखने की कोशिश करो तो रिपीटेशन एंड ड्रिल फ्लैश कार्ड मेमोराइजेशन टेक्निक्स एंड क्विजेज एंड यानी कि 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 की को 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 या या करना इस बात से कि उनको कितनी याद याद है, है? ठीक चाहे आप उनसे short answer question या multiple choice question आप उनसे पूछिए पूछिए, रखना देखना चाहते हो कि बच्चे को कितना याद है। लर्निंग कैन बी यूजफुल फॉर फाउंडेशनल नॉलेज एंड बेसिक फैक्ट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव स्टूडेंट बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इसने ये बोला कि रूट लर्निंग जो होती है ना वो बहुत यूज़फुल होती है फाउंडेशनल नॉलेज के लिए ठीक है मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे समझ ही लोगे और आप बेसिक चीज़ें भी याद नहीं करोगे नहीं हमारी जो फाउंडेशन जैसे हम बचपन में जब छोटे थे कोई भी वर्ड हमने सीख लिया जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना होगा क्योंकि वो हमने पहले मेमोराइज ही तो किया ना ऐसा थोड़ी मतलब हमने प्रोसेस समझा लेकिन वो वर्ड तो याद रखना पड़ेगा ना चाहे प्रोसेस कितना भी आपको अच्छे से समझ में आओ लेकिन अगर वर्ड ही याद नहीं आएगा कि फोटोसिंथेसिस वर्ड है तो कैसे काम चलेगा तो हमारी फाउंडेशन नॉलेज बनाता है ये मेथड ठीक है बेसिक फैक्ट्स हमको याद होते हैं जो कि जब हमारी फाउंडेशन नॉलेज बन गई यानी मुझे ये वर्ड याद हो याद हो गया कि फ़ोटो एक वर्ड होता है ठीक है तो मेरा फाउंडेशन क्रिएट हुआ है बट इसके अंदर क्या है किस तरह से काम करता है तो वो सेकेंड लेवल पर आएगा तो बेसिक फर्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं मेमोरी लेवल ऐसा नहीं यूजलेस होता है रोट लर्निंग का मतलब ये नहीं खराब है बट यहाँ पर यह हमारी मेमोरी का बेस बनाती है आप कोई वर्ड किसी को समझा पा रहे हो बिकॉज आपका बेस स्ट्रांग है उस चीज को लेके है ना उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हो सेकेंड लेवल पर आके सो मेमोरी लेवल पर हम लोग फोकस करते हैं रोट मेमोराइजेशन पर एंड क्या क्या तरीके हैं वो हमने पढ़ लिया नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड लेवल दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर कॉम्प्रीहेंशन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल

वो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं अपने तरीके से आपको आइडियाज इंटरप्रेट करने के लिए बोल सकते हैं या फिर उस मटेरियल के बारे में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करी जा रही है आपको समझाने की ठीक है सो so, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इसमें कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कॉम्प्रीहेंशन एंड हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रमोट करती हैं तो बेसिकली इट इज अबाउट एक्चुअली इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग जो भी इंफॉर्मेशन सॉरी जो भी इंफॉर्मेशन आपने समझी है अभी तक वो आप क्या करोगे अब यहाँ पर आप उसको समझने की कोशिश करोगे जो अभी तक आपने सिर्फ पढ़ी थी लर्न कर ली थी रोट मेमोराइजेशन से सिर्फ थोड़े टाइम के लिए याद करी थी नाउ यू आर गोइंग डीप एंड यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या है सो so, अब टीचर्स के लिए कौन सी अफेक्टिव अप्रोचेज हो सकती है जिससे वो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को कर सके सबसे पहले एक्सप्लेनेशन एंड एलेबोरेशन टीचर बच्चों को कंसेप्ट के बारे में बहुत क्लियरली बताएंगे ठीक है आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे कि देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए और ज्यादा टाइम के लिए आपके दिमाग में रहे क्योंकि कई बार जब हमें कोई चीज रेलिवेंट लगती है या फिर हम अपने आप से लिंक कर पाते हैं ना तो हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है ठीक है यूज ऑफ एनालॉजीज यानी एनॉलॉजीज कैन बी यूज टू रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू फेमिलियर कॉन्सेप्ट एडिंग इन कॉम्प्रीहेंशन हम क्या करते हैं टीचर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा देखो ये आपने सुना है ना अब आपने अपने घर पे देखा होगा ना ऐसा तो तो क्यों आपको घर वाला एग्जाम्पल बताते हैं ये बहुत बेसिक चीज है जो सारे टीचर्स यूज करते हैं क्या करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को किसी फेमिलियर कॉन्सेप्ट के साथ मिलाते हैं ताकि आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहे ठीक है ठीके? तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का टेक्निक चल रहा है टीचिंग का एप्लीकेशन एक्टिविटी आपको एक्सरसाइज या टास्क बताते हैं जिससे आप अपनी न्यू नॉलेज को मतलब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाओ एंड आप उसको समझा पाओ कई बार आपको एक्सपेरिमेंट से करवा पाते हैं या फिर जिसे कहते हैं ना बेसिकली नए तरीके से या फिर आप उसको अप्लाई करके बोलेंगे देखो बेटा ये आप जैसे एग्जांपल दे दिया हवा का फिर उसमें कि जो लाइट एयर होती है हॉट मतलब हॉट एयर ऊपर ऊपर की तरफ उड़ती है तो उसके बाद आपको रोटी दिखा दी कि रोटी को जब हम यू you नो know, सेकते हैं तो वो फूलती क्यों है क्योंकि वो हवा जो है गर्म वो ऊपर जाने की कोशिश करी है तो साइंस में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं एप्लीकेशन करवा के ठीक है डिस्कशन एंड क्वेश्चन जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो ना तो उनको आप और इनके साथ डिस्कशन भी करते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल रोट लर्निंग एक तो हो बच्चे ने आंसर ब्लर्ट आउट करके आपको बोल दिया लेकिन अगर आप उससे डिस्कशन कर रहे हो उसको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगे और वो टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा एट दिस लेवल स्टूडेंट मूव फ्रॉम पैसिव ऑफ टू एक्टिव लर्नर यानी अब पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को सुन नहीं रहे हैं वो एक्चुअली में एक्टिव लर्नर बन चुके हैं जो आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बताएंगे सब्जेक्ट मैटर की ठीक है ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल आई होप आपको समझ में आया हो यहाँ पे मेमोराइजेशन से हटकर हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द आइडिया हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है जो हमने वर्ड पढ़ा था उसका एक्चुअली मतलब क्या है ठीक है वो यहाँ पर होता है फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल वो आपको समझ ही आ गया रिफ्लेक्टिव मैंने कई बार वर्ड यूज किया है यहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज करते हो ठीक है सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन एट द रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस एंड सिंथिसिस ऑफ इन्फॉर्मेसन इस पर क्या करते हैं ना स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग में एंगेज होते हैं एनालिसिस करते हैं और वो ये देखते हैं कि इन्फॉमेसन उसमें से यू नो बाहर आए बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन निकले सो so, वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं अप्लाई करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें ठीक है दे आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग देयर नॉलेज अब हमें जो आज तक मैंने पढ़ा जो मुझे समझ में आया जहां भी जरूरत होगी वो मैं वहां पे अप्लाई करूंगी जैसे कई बच्चे जो कोडिंग करते हैं ठीक है कोडिंग में क्या करते हैं पहले समझ लिया उसके पहले तो रटा थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह फिर उन्होंने कोडिंग सीखी ठीक है वो करके देखा अब फाइनली वो उसको अप्लाई करने वाले हैं जो भी सीखा है उसको एक्चुअली किसी वेबसाइट बनाने के लिए या कुछ करने के लिए दे आर गोइंग टू अप्लाई इट सो दे आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग देर नॉलेज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी नॉलेज अप्लाई करेंगे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको समझेंगे इवैल्यूएट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शन बनाएंगे ठीक है टीचिंग स्ट्रैटेजी जो रिफ्लेक्टिव लेवल पर होती है ना उसका एम यही होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो और हम और ज़्यादा क्रिएटिवली सोचें हम देखें जो हमने लर्न करा है, उसको किस तरह से हम बता सकते हैं उसको किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में किस तरह से उसको फिक्स कर सकते हैं ठीक है तो कुछ इफेक्टिव अप्रोचेस कौन कौन सी हैं लेट्स सी सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क असाइनमेंट एंड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अप्लाइंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की बात करते हैं तो असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटी जहां पर स्टूडेंट्स को ना अपना सपोज आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा अब टीचर ने आपको एक सिचुएशन दे दी कि बेटा आप क्या करोगे ऐसे में है ना तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि एनालाइज करिए अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ठीक है फिर हम बात करते हैं डिबेट एंड डिस्कशन की एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एंगेज इन डिबेट्स And क्योंकि जब आप डिबेट या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एक्टिवली उस बारे में सोच रहे हो अपने थॉट प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज से रिलेटेड अपनी नॉलेज बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं डिबेट्स में डिस्कशन में और यहाँ पे उन्हें जरूरत पड़ती है क्रिटिकल एनालिसिस की एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स की ठीक है उसके बाद आते रिसर्च प्रोजेक्ट पे एंगेजिंग स्टूडेंट इन इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व सिंथिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग देयर फाइंडिंग्स हम बच्चों को कई सारे रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट दे सकते हैं उससे क्या होता है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कई जगह पे उन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जरूरत पड़ती है वो करते हैं एंड फिर अपनी फाइंडिंग वो फाइनली अप्लाई करने के बाद शो करते हैं कि देखो ये ऐसा हुआ एंड देन ऑब्वियसली इसमें ना रिफ्लेक्टिव में क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शन तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन के बीच में वो एक्सप्लोर करके कनेक्शन बनाते हैं जिससे एक ओवरऑल थिंकिंग डेवलप होती है इस लेवल पर ना स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव थिंकर हो चुके हैं एंड दे हैव बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड वो अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं मीनिंगफुल एंड इनोवेटिव वे में सो so, हमने तीन लेवल ऑफ टीचिंग देखे सबसे पहले हमारा मेमोरी लेवल हुआ उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा टीचिंग एंड लर्निंग की प्ले लिस्ट में मतलब लर्निंग एंड टीचिंग की प्ले लिस्ट में आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगी बी एड के फर्स्ट ईयर सेक्शन में आपको और सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आप अगर आपके इस सब इस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं तो एंड साथ के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स भी हैं बाकी कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं एन एल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो